था ही नहीं। मुझे यकीन करें, अभी ये वीडियो देखने के बाद मुझे प्यार, मोहब्बत, इश्क इससे इतनी मतलब मुझे घिन आ रही है, मुझे नफरत आ रही है। मतलब ये क्यों है, ये नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है शम्स ताहिर खान की एक वीडियो, बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एपिसोड 1210। सुप्रकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्रांतक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज वीक का पहला दिन है और वीक के पहले दिन कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होगी। मैंने सोचा नहीं था, हालांकि ये कहानी कल भी सुना सकता था लेकिन संडे था। लेकिन ऐसी कहानियाँ झकझोर कर रख देती हैं। देश की राजधानी दिल्ली, इस वक्त उसकी पॉपुलेशन जो आबादी है करीब 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ लोग इस दिल्ली में रहते हैं और इन 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 90,000 दिल्ली पुलिस के लोगों पर है। 90,000 पुलिस वाले, 2 करोड़ की आबादी। देश के सबसे ताकतवर लोगों का घर है दिल्ली, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर हों, जितने भी होम मिनिस्टर हों, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है, पार्लियामेंट है। अब इसी दिल्ली में, देश की राजधानी में, 2 करोड़ लोगों की आबादी वाले शहर में एक लड़का पूरे 18 दिनों तक ठीक रात 2 बजे अपने घर से निकलता है, अपने पीठ पर एक पिट्टू बैग रखता है, उस बैग के अंदर कुछ पॉलिथिन है और वो बेखौफ, बिना किसी के डर के, ना पुलिस का खौफ, ना लोगों का कि 2 बजे कोई रोक ले, टोक ले, कोई तलाशी ले, और वो इधर उधर सुनसान इलाका ढूंढता है, कभी जंगल जाता है, कभी किसी और सुनसान इलाके में जाता है, फिर बैग से वो पॉलिथिन निकालता है, फेंकता है, वापस घर लौट आता है। आने के बाद आराम से सो जाता है। अगले दिन फिर यही काम करता है, उठता है, पॉलिथीन लेता है, बैग लेता है, अब नए इलाके में पहुंचता है, नए इलाके की तलाश करता है, फिर बैग से कुछ चीज़ें निकालता है, फेंकता है, घर लौट आता है। फिर तीसरे दिन भी यही करता है, फिर चौथे दिन भी यही करता है। इस दौरान में जब उसे भूख लगती, जोमेटो को ऑर्डर करता, खाना मंगाता, खाना खाता, उसी घर में जिस बेडरूम है वहीं पर फ्रिज है, उसी फ्रिज से पानी निकाल कर पीता, उसी फ्रिज से दूध निकाल कर चाय बनाता और उस फ्रिज में बाकी भी सामान रखे हुए हैं कुछ। 18 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। 18 दिनों तक एक लड़का हर रात ठीक 2 बजे निकले और 2 से 3 के दरमियान में इधर उधर जाए, कुछ चीज़ें फेंके और चलाए, कभी ना पुलिस, ना PCR की गाड़ी, ना बैरिकेड, ना किसी ने टोका रोका। ये देश की राजधानी का हाल है। अब उस बैग में क्या, वो लड़का क्या, ये पूरी कहानी एक झकझोरने वाली कहानी आपके सामने है। कहानी शुरू होती है, हालांकि खत्म दिल्ली में हुई, शुरू होती है मुंबई से, और मुंबई से भी पहले पालघर से, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक परिवार रहा करता था। विकास जो इस परिवार के मुखिया थे और इनका नाम था विकास वॉलकर। विकास वॉलकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी इनकी, सर्विस का भी काम करते थे। परिवार में इनकी एक पत्नी सुमन, एक बेटी जिसका नाम श्रद्धा, 27 साल उम्र, और एक बेटा जिसकी उम्र 23 साल। 2018 में श्रद्धा नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचती है पालघर को छोड़कर। इधर पालघर में जो पिता है वो अपनी बीवी और ये दोनों, बेटी और बेटा, से अलग रहते हैं। श्रद्धा अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी, पिता जो है विकास वो अलग रहते थे। 2018 में वो मुंबई आती है। मुंबई के मलाड में आखिरकार कुछ अपने दोस्तों की जान पहचान से एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में उसे नौकरी मिल जाती है। अब वो मुंबई के मलाड में ही एक किराए का कमरा लेती है और वहाँ रहने लगती है और अपना कॉल सेंटर में काम करती है। इसी कॉल सेंटर में आफ्ताब नाम का एक और लड़का काम करता है, आफ्ताब पुणे वाला, और यहीं दोनों की मुलाकात होती है। पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पुणे वाला, इसकी उम्र करीब 30 साल। तो इसी कॉल सेंटर में मलाड के आफ्ताब काम कर रहा होता है पहले से, बाद में श्रद्धा आती है। करीब 8-9 महीने बीतते हैं। इन 8-9 महीने के बीच में आफ्ताब और श्रद्धा दोनों आपस में बातें करते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद, चूंकि श्रद्धा के घर वाले पालघर में, वो मुंबई में, इसी दौरान में एक रोज घर पहुंचती है श्रद्धा पालघर और अपनी माँ को बताती है कि एक लड़का है आफ्ताब, जिसे उसके साथ उसे प्यार हो गया है
और अब दोनों वहीं मलाड में एक घर में लिव इन में दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं और मैं उससे शादी करूंगी। माँ ने समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा परिवार खानदान इसकी इजाज़त नहीं देगा, इंटर रिलीजन मैरिज है, वो मुस्लिम है तुम हिंदू हो, कास्ट भी जो है वो अलग अलग है। बात पिता तक पहुंची, विकास ने भी इस बात का विरोध किया पर वो मानी नहीं, उसने झगड़ा किया, अपना सारा सामान उठाया और उसने कहा आज के बाद ये सोच लेना कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। 2019 की बात है ये शुरुआत की। और अब श्रद्धा वापस मुंबई आ जाती है, अब वो मुंबई में आफ्ताब के साथ लिव इन में रहने लगती है। माँ बाप गुस्सा थे, कुछ वक्त तक बेटी से बात नहीं की, लेकिन माँ माँ होती है, माँ ने एक दो बार उसको फ़ोन मिलाया, श्रद्धा ने भी बात की, माँ ने फिर समझाया पर वो मानी नहीं। हो सकता था माँ बाद में मना भी लेती, लेकिन तभी जनवरी 2020 माँ सुमन श्रद्धा की, उनकी मौत हो जाती है। अब सुमन की मौत के बाद श्रद्धा को जब पता चलता है वो अपने घर जाती है, जो भी रस्में थे उसमें शामिल होती है और फिर वापस लौट आती है। माँ की मौत के बाद अपने पिता से वो कुल दो बार फ़ोन पर बात करती है। बातचीत में उसके पिता ने बताया कि वो जब पूछते हैं कि तुमने इरादा बदला, तो वो कहती है कि आफ्ताब मुझे कभी बार मारता पीटता भी है, डांटता भी है, तो उन्होंने उसे समझाया भी कि लौट आओ, ऐसे रिश्ते को तोड़ दो, पर उसने कहा नहीं। फिर उसने माफ़ी मांग ली, सॉरी बोल दिया, सब ठीक है, मैं लौटने वाली नहीं हूँ। अब ये वहीं मुंबई में रह रहे हैं। दो बार के बाद अब पिता से भी बातचीत बंद, भाई है उससे भी बातचीत बंद। अब एक बेटी एक दूसरे शहर में, मुंबई जैसे शहर में अकेले रह रही है लिव इन में एक लड़के के साथ, फैमिली पालघर में है, फ़ोन पे बात नहीं हो रही है। बाप बेटी, माँ बेटी या भाई, इनका रिश्ता बहन के साथ बड़ा करीबी होता है। तो अब क्या करें, गुस्से में, लेकिन पिता की उसकी बात नहीं मान रही है, वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा के कुछ दोस्तों के नंबर श्रद्धा के भाई के पास भी थे, श्रीजय नाम है उसका, और पिता के पास, तो कभी कभार वो उससे खैरियत पूछ लेते उसकी कि वो ठीक है। फिर लगता कि कई बार क्यों पूछें, तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला, श्रद्धा के मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस, उसकी तस्वीरें, डीपी, ये चीज़ें जब जब बदलती तो उन्हें लगता चलो बेटी है, ठीक है, एक्टिव है। उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाते हैं, वो नई नई चीज़ें लिखती, वो पिक्चर डालती ऐसे, तो उन्हें लगता कि चलो ठीक है, कहीं घूमने गई है तो उसकी पिक्चर डाली, तो बेटी सही सलामत है, ये बात की तसल्ली रहती बाप को। अब कुल मिला के कहानी ये है कि बेटी आफ्ताब के साथ है, घर वालों से अब रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इधर आफ्ताब का परिवार भी अब जब धीरे धीरे उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को पता चलता है कि एक लड़की के साथ लिव इन में है और वो लड़की मुस्लिम नहीं है, तो वो लोग भी इसका विरोध करते हैं। इसके बाद अब दोनों का ये था कि मुंबई में ज़्यादा दिन रहने का नहीं है, किसी ने कहा कि दिल्ली में अच्छी नौकरी मिलेगी, तो दोनों का एक तय करते हैं कि चलो रिश्तेदारों से दूर, दोस्तों से दूर, एक नए शहर में जाकर अपनी ज़िंदगी बसाते हैं। 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा दिल्ली आते हैं ट्रेन से। दिल्ली आने के बाद पहली रात 8 मई को आए थे, 9 मई को यहाँ पहुँचे, इन्होंने पहाड़गंज के एक होटल में रूम लिया और वहीं रात को रुके। नेक्स्ट डे फिर ये एक दूसरे इलाके में जाते हैं, सैजदुल्ला जाब साउथ दिल्ली में, वहाँ पे ये एक होटल किराए पे लेते हैं और रूम पे वहाँ पे रुकते हैं। 10 मई को इन दोनों के कॉमन फ्रेंड जो मुंबई में था दिल्ली में रहता है वो छतरपुर में रहता था, ये दोनों वहाँ जाते हैं और छतरपुर में उसके घर पर रुकते हैं कुछ दिन। रहने के दौरान में फिर उन्हें कहता है कि यहीं पे तुम अपने लिए कहीं घर देख लो, तो छतरपुर में ही दोनों एक घर ढूंढते हैं, हाउस नंबर D93/1 छतरपुर, किराए का एक घर। अब दोनों आफ्ताब और श्रद्धा उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब अपनी ज़िंदगी बसाना शुरू करते हैं। 10 के बाद ये 12-13 तारीख तक की बात है, अभी इन्होंने अपना घर ले लिया। इधर इस दौरान में चूंकि इनके रिलेशनशिप को 2019 से तीसरा साल है, ये श्रद्धा बार बार कहती कि हो गया अब लेवल में, अब हम इस रिश्तों को नाम देते हैं, दोनों शादी करते हैं, आफ्ताब हर बार टालता रहता, कहता ठीक तो हम लोग रह रहे हैं, शादी की क्या ज़रूरत है। इस बात को लेकर झगड़ा होता लेकिन फिर दोनों में सुलह हो जाता। दिल्ली आए हुए अभी सिर्फ 10 दिन हुए थे, 10 दिन के अंदर अंदर अब जब ये अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर से इन दोनों के बीच में अब झगड़ा शुरू होता है। और इस झगड़े के दौरान में बात बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। हुआ ये कि 18 मई की तारीख आती है, 18 मई, लेकिन उस 18 मई की कहानी सुनाऊं उससे पहले थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाता हूँ। दोनों दिल्ली आ गए, 8 मई को पहुँचे हैं,
होटल में रहे, दोस्तों क्या रहे, अब इन्होंने छतरपुर में अपना घर ले लिया। मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर आ गया, 4 महीने बीत गए। अब इधर एक बाप और एक भाई जो अपनी बहन की खैरियत उसके डीपी या उसके स्टेटस या फेसबुक अपडेट से पता कर लेता था, वो सारी चीज़ें अब एक्टिव नहीं हैं मई के बाद से। पिता को लगा शायद कुछ बदल गया, पर उन्हें किसी दोस्तों से उन्होंने फ़ोन किया उस वक्त मई जून में, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए, अब वही नौकरी करेंगे। पिता ने कहा चलो ठीक है। एक दोस्त ने ये भी बताया कि वहाँ छतरपुर में कहीं उन्होंने किराए का घर ले लिया पर एड्रेस नहीं मालूम, उनका ये भी ठीक है। तभी सितंबर का महीना आता है। सितंबर के महीने में एक श्रद्धा का दोस्त श्रद्धा के भाई को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं श्रद्धा को लगातार फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका पिछले 2-2.5 महीने से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या उसने नंबर बदल दिया, क्या तुम्हें कॉल किया, कोई नया नंबर हो तो मुझे दो। भाई कहता है कि हमारे पास तो कोई नंबर नहीं और हम भी कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा। भाई घबराता है, वो अपने पिता को बताता है। अब विकास उनके पिता श्रद्धा के, वो उस दोस्त का नंबर लेकर खुद बात करते हैं, कहते क्या तुम्हारी कब से बात नहीं हुई। वो कहता है मैं हमेशा अक्सर 2-3 दिन में हमारी बात हुआ करती थी श्रद्धा से, लेकिन इधर 2-2.5 महीने से बात नहीं हो रही, उसका मोबाइल बंद है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये सुनकर पिता घबरा जाते हैं। अब वो श्रद्धा के कुछ और दोस्तों को मुंबई में फ़ोन मिलाते हैं, उन सब का भी यही जवाब कि पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा का मोबाइल बंद है और हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब जब उन्हें ये लगता है तो उन्हें एक मन में डर लगता है कि कहीं श्रद्धा के साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसी के बाद वो वहीं लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और पालघर में कि उनकी बेटी गुम है और मुझे डाउट है कि कहीं उसका किडनैप ना हो गया हो। तो अब उन्होंने वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में खबर लिखाई और ये भी लिखाया कि आखिरी उसके बारे में जानकारी ये थी कि वो मुंबई से दिल्ली गई है। तब पालघर के लोकल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने कहा कि देखिए आपकी बेटी अगर छतरपुर गई है तो मामला दिल्ली का है और छतरपुर इलाका जो है वो मेहरौली पुलिस स्टेशन में पड़ता है, तो हम ये केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस से हम हेल्प लेंगे। अब उन्होंने दिल्ली पुलिस को पालघर पुलिस ने भेज दिया कंप्लेन। अब इसके बाद दिल्ली में मेहरौली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी जाती है गुमशुदगी की। विकास जो श्रद्धा के पिता हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली आने के बाद 9 नवंबर अभी 5 दिन पहले वो मेहरौली पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ऐसी उनकी बेटी है श्रद्धा, हमने वहाँ रिपोर्ट लिखाई, आपके यहाँ ट्रांसफ़र हुई और उसका कोई अता पता नहीं है, 2-2.5 महीने से मोबाइल बंद है। पुलिस डिटेल लेती है, तस्वीर लेती है, कहाँ रहते हैं, तो बताते हैं कि ये है। फिर किसी तरह से आफ्ताब का नंबर भी मिल जाता है, पुलिस को वो नंबर देते हैं। अब छतरपुर में है लेकिन घर का पता नहीं मालूम है। खैर पुलिस आफ्ताब के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है, नंबर चालू था, लोकेशन देखती है दिल्ली में ही था। इसी लोकेशन और मोबाइल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के ज़रिए मेहरौली पुलिस आफ्ताब तक पहुँच जाती है। आफ्ताब घर में था और जो घर था वो वही मेहरौली छतरपुर में, जो DL घर का पता बताया आपको वहीं रह रहा था। पुलिस जाकर पूछती है कि आपके साथ श्रद्धा रह रही थी वो कहाँ है। आफ्ताब कहता है कि हमारी लड़ाई हुई थी 18 मई को, 6 महीने करीब पहले, और उस लड़ाई के बाद श्रद्धा गुस्से में घर से निकल गई, बोली मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। फिर मैंने उसे काफ़ी फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था, तो उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, मैंने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो पूछा क्यों झगड़ा हुआ, उसने कहा अक्सर झगड़ा होता था फिर बार बार एक ही चीज़ को लेकर होता था, वो था शादी। अब पुलिस ने आफ्ताब के मोबाइल से ये चेक किया तो पता चला कि श्रद्धा का मोबाइल 18 मई के बाद से 19 मई से ही स्विच ऑफ है और कभी आफ्ताब ने उसको कॉल करने की कोशिश भी नहीं की। बार बार जब उसे सवाल किए गए तो वो अपने कई बयान से पलटता रहा, कई बार कुछ बोलता कई बार कुछ बोलता, पुलिस को डाउट हुआ। आखिरकार पुलिस उसे फिर मेहरौली थाने लेकर आई और तसल्ली से जब पूछताछ की तो इसके बाद आफ्ताब ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो शायद 2 करोड़ की आबादी वाले इस दिल्ली शहर और 90,000 की दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में न ऐसी कहानी इससे पहले सुनी गई ना सुनाई गई। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, हैवानियत की इंतहा की कहानी। उसने जो कहानी सुनाई वो ये कि दिल्ली आए हुए 10 दिन हो चुके थे, उसने किराए का घर ले लिया था, छतरपुर में रह रहा था। 18 मई की रात खाना खाने के बाद श्रद्धा के साथ उसका झगड़ा हुआ, फिर बात शादी में आई, उसने शादी करने के लिए कहा, मैंने उसको टाला और इस बात पे बात बढ़ गई, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, मैंने उसका गला ज़ोर से पकड़ लिया और फिर मैं तब तक दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें टूट नहीं गई। श्रद्धा मर चुकी थी।
कत्ल करने के बाद अब वो आराम से उस लाश के साथ उसी कमरे में बैठता है, अब सोचता आगे क्या करना है। इसके बाद उस लाश को एक तरफ रखता है, मई का महीना है, दिल्ली में उमस और गर्मी है, और आराम से उसी कमरे में सो जाता है जिस कमरे में उसने अभी अभी श्रद्धा को मारा और उसकी लाश पड़ी हुई है। सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद वो मार्केट जाता है, वहीं लोकल मार्केट में एक तिलक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहां से एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है, एक दूसरी दुकान से आरी खरीदता है, तीसरी दुकान से कुछ पॉलिथीन खरीदता है, एक पिट्ठू बैग खरीदता है, ये सब सामान लेकर घर आता है। दोपहर के बाद वो श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाता है, अब बैठ कर वहां तसल्ली से आरी से श्रद्धा की लाश के टुकड़े करता है, लाश के टुकड़े करता, पॉलिथीन में डालता, पॉलिथीन के एक तरफ कर देता। अब एक ही दिन में पूरी लाश के टुकड़े नहीं हो सकते थे, आधे अधूरे टुकड़े हुए, उसने उन पॉलिथीन के टुकड़े को फ्रिज में रखा, बाकी जो लाश अभी आधी अधूरी थी उसको भी फ्रिज में उसने किसी तरह घुसा दिया। उसी फ्रिज में उसके पीने का पानी था, उसी फ्रिज में दूध थी जिससे वो चाय बनाता था, और फ्रिज बंद कर दिया, बाथरूम को धोया। लगभग अब लाश 24 घंटे पुरानी हो रही थी, मई का महीना, गर्मी, उमस, बदबू आने लगी। उसने वॉशरूम को धोया, पूरा बाथरूम को, इसके बाद परफ्यूम पूरे कमरे में दरवाजे पर छिड़का ताकि बाहर बदबू ना जाए। फिर जोमैटो को ऑर्डर किया, खाना मंगवाया, खाना खाया, उसी फ्रिज से पानी निकाली जिस फ्रिज में लाश के टुकड़े हैं, और इत्मीनान से सो गया कुछ देर के लिए। ठीक रात 2 बजे वो घर से निकलता है, 19 मई। कुछ टुकड़ों को एक पिट्ठू बैग में डालता है, बैग को कंधे पर डालता है, दरवाज़ा लॉक करता है, घर से बाहर जाता है पैदल। पैदल जाने के बाद वहाँ से थोड़ी दूरी पर महरौली का जंगल शुरू होता है। कुछ लोग टकराए भी, किसी ने पूछा नहीं, लोग आ जा भी रहे थे लेकिन लोगों की भीड़ कम थी। महरौली जंगल सुनसान, वहाँ से उसने बैग खोला, पॉलीथिन निकाली और जंगलों के बीच में उसे उछाल कर फेंक कर वापस घर आ गया। घर आया, बैग रखा, सो गया। अगले दिन सुबह उठता है, उसे फ्रिज से दूध निकालता है, चाय बनाता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, फिर लग जाता है बाथरूम में बैठकर उनको टुकड़ों को करने के लिए। टुकड़े करता है, फिर पॉलीथीन में डालता है, फिर बाकी हिस्सा फ्रिज में रखता है, फिर जोमेटो से ऑर्डर देता है, खाना मंगाता है, खाना खाता है। अब रात 2 बजे का इंतज़ार कर रहा होता है, फिर 2 बजता है, फिर कुछ टुकड़ों को बैग में डालता है, निकल पड़ता है। इस बार महरौली जंगल के अलावा कोई दूसरी सुनसान जगह देखता है, एक सुनसान जगह है, वहाँ पर भी ले जाकर टुकड़ों को उछाल देता है पॉलीथीन समेत, फिर घर आता है, फिर सो जाता है। 18 मई से लेकर 5 जून तक ये सिलसिला चलता रहता। 18 मई के बाद 19 मई से उसने शुरू किया था बाहर निकलना, और 5 जून आखिरी किश्त उसने फेंकी थी। 19 मई से लेकर 5 जून और रात टाइम चुना था ठीक 2 बजे का, हर रात 2 बजे ही निकलता वो, महरौली के जंगल, छतरपुर, आसपास के, और कभी एक जगह पर नहीं फेंकता, अलग अलग है। उसे ये था कि अगर कभी कोई कहीं किसी के हाथ टुकड़ा लग भी जाए तो लाश की असलियत नहीं पता चले, और तब तक पता नहीं चलेगी जब तक टुकड़ों एक ना हो। तो फेंकता रहा बेखौफ, रात को निकलता रहा लाश के टुकड़ों के साथ, कभी डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी या लोग पकड़ लेंगे, तलाशी होगी। लेकिन 19 मई से लेकर 5 जून तक 18 दिनों तक वो श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा, और आकर वैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी जीता रहा। इन 18 दिनों में उसने अपने किसी पड़ोसी से किसी से कोई बात नहीं की। 5 जून को जब सारी लाश की किस्त खत्म हो गई, फिर उसने फ्रिज को साफ किया और उसके बाद उसी जगह रहने लगा। हौसला इतना उसका कि उसे ये यकीन था कि शायद कभी उस तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए उसने उस फ्रिज को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। पढ़ा लिखा था, उसे मालूम है कि फॉरेंसिक एविडेंस इस फ्रिज से कलेक्ट हो सकता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस और खौफ का ना होना, वो आराम से उसी घर में रहा। 6 महीने बीत गए, 18 मई को कत्ल किया था, और अभी 13 जून, कल की बात है ये, लगभग 6 महीने किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि दिल्ली में एक लड़की का कत्ल हुआ, उस लड़की का एक घर के अंदर उसकी लाश के टुकड़े हुए,
उस लड़की की उस लाश के टुकड़ों को 18 दिनों तक एक शख्स हर रात 2 बजे लेकर निकलता रहा और फेंकता रहा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और लोग तो छोड़िए पुलिस तक को इसकी भनक नहीं लगी। एक पिता को जब ये पता चला कि उसकी बेटी का मोबाइल बंद है उसके एक दोस्त से, तब उसने खोजबीन शुरू की और ये खोजबीन आकर मेहरौली पुलिस स्टेशन में ख़त्म हुई, और तब कहीं जाकर ये सारा सच सामने आया। 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है आफताब को। पुलिस उसे लेकर लगातार उन जगहों पर जा रही है जहाँ जहाँ उसने लाश के टुकड़े फेंके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि 6 महीने हो चुके हैं। वो मई का महीना था और मई जून जुलाई बहुत गर्मी, उसके बाद फिर बरसात, और ऐसी ऐसी जगहों पर है जहाँ जंगली जानवर भी होते हैं, उन टुकड़ों का मिलना मुश्किल है। शायद कुछ टुकड़े शायद मिले भी हैं, कुछ हड्डियाँ मिली हैं, फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजी गई है। पुलिस ने उस फ्रिज को अपने कब्जे में लिया, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी, उससे पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो कुछ हड्डियां और बाकी चीज़ें मिली है उसके डीएनए से भी पता चल जाएगा कि ये लाश श्रद्धा की है। और आफ्ताब इस वक्त दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। अब यहाँ पे कई चीज़ें, एक हमेशा एक कहते हैं माँ बाप बच्चों से कि तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो अगर माँ बाप की बात सुन लें बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें ना हो, पहली चीज़। दूसरी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारे वारदात वाक़े मैंने सुनाए हैं आपको इसी कहानी में, और मैं खुद सुनता हूँ, कवर किया है एज ए क्राइम जर्नलिस्ट, जहाँ पे रिश्तों के लेके खून होता है, पति पत्नी, पति पत्नी के बीच में कोई और, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिव इन में रहने वाले। एक बड़ा सिंपल और सीधी सी चीज़ है, दो इंसान जब रिश्तों में होते हैं तो दोनों एक साथ मर्जी से आते हैं, दोनों एक दूसरे को मर्जी से पसंद करते हैं, एक दूसरे को मर्जी से प्यार करते हैं, रहने का फैसला उनकी मर्जी से होता है। तो अगर न रहना हो, अलग होना हो, डिवोर्स लेना हो, या फिर एक दूसरे से रिश्ता ख़त्म करना हो, तो क्या इसमें दोनों की मर्जी से इस मसले का हल नहीं हो सकता? किसी की जान लेने की नौबत क्यों आनी चाहिए? इस केस में भी अगर शादी की बात थी, नहीं थी और वो ज़िद कर रही थी, आफ्ताब ये भी कर सकता था कि ठीक है मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ और नहीं करूँगा शादी, तुम्हें जो करना कर लो और अलग होना है, अब बाकी केस कानून बाकी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन उसे जान लेने का हक और इस बेदर्दी से, एक तो पहली चीज़ कि जिसके साथ आप लगभग 3-4 साल से रिलेशन में हो, जिसके साथ आपने प्यार किया, कैसे वही इंसान उसी शख्स का एक तो कत्ल कर सकता है और फिर यूं हैवानियत की तरह उसके लाशों के टुकड़े कर सकता है? सोच से परे की चीज़ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में, अलग अलग शहरों में, इस देश में, दुनिया में ऐसे वाक्य सुनने को मिलते रहते हैं और ऐसा होता है। फिर वही बात होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए इसके लिए, कोई और रहम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल है, लेकिन उन माँ बाप उसके दोस्तों पर क्या बीतेगी जब उन्हें इस कत्ल की पूरी असलियत और जिस तरीके से कत्ल के बाद सारी चीज़ें की गई उसकी बारीकियों से जब उन्हें जानकारी मिलती है? क्योंकि आप, हमारा आपका तो ये है कि मैंने ये कहानी सुनाई, ये इंसिडेंट हुआ, आपको बताई, हम भूल जाएंगे, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में जाता है तो हर चीज़ बहुत डिटेल में, माइनर डिटेल में जाती है। पुलिस या आईओ को बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया, उन्हें बताना पड़ता है दोबारा कोर्ट के सामने, उस माँ बाप के सामने वो सारी रिपीट करनी पड़ती है, वो पूरी स्टोरी, वो कत्ल का तरीका, कत्ल के बाद लाशों को टुकड़े करने का तरीका, उसे छुपाने का तरीका, और उसी कोर्ट रूम में बैठा वो माँ बाप उसका रिश्तेदार सुन रहा होता है। तो सोचिए जब ये सारी चीज़ें हुई, एक तो हो गया, फिर से वही बाप और भाई को सुनने को मिलेगा, तो फिर उनके दिल पर क्या बीतेगी? तो नहायत अफसोस। लेकिन यहाँ उससे भी बड़ा एक दूसरा सवाल जो मैंने शुरू में कहा कि किसी की कैसे हिम्मत हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस का इसका मतलब है खौफ ही नहीं है दिल में। एक आदमी, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, अगर आप दिल्ली की कई बॉर्डर लगती है, दिल्ली है आपका, हरियाणा है, इधर राजस्थान है, यूपी है, तो कहते हैं कि दो बॉर्डर के बीच में अगर कोई शराब की 2-4 बोतल लेके जाता है तो डर रहा होता है कि अगर मैं दिल्ली से चला हूँ नोएडा बॉर्डर पर पकड़ न ले पुलिस वाले, एक खौफ होती है। एक शख्स पूरे 18 दिनों तक टाइम का पाबंद, रात 2 बजे लाशों के टुकड़े बैग में डालकर कंधे पर रखकर दिल्ली में घूम रहा है और एक बार भी किसी पुलिस वाले की नज़र नहीं पड़ी, एक बार भी किसी ने उसे रोक कर ये पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम रात को 2 से 3 के बीच में क्यों भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या काम करते हो, बैग में क्या है,
किसी ने नहीं। इससे लॉ एंड ऑर्डर की हमारी असलियत का भी पता चलता है। तो आज की इस अफसोसनाक वारदात में इतना ही, लेकिन वापस आते हैं अपने वही सिलसिला। आज काजल, काजल का बर्थडे है और ये बहन है सुभाष की, तो हैप्पी बर्थडे काजल। काजल मलार है इनका नाम। साथ ही नवीन नागरकोटी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नवीन। इसके अलावा रवीउल हसन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रवीउल। और मुशीरुल हसन ने भेजा है। राम वर्मा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राम। और आशीष वर्मा ने भेजा है, उनके बेटे हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या। और ये देव एलियस दीपक मोरखाडे की वाइफ। साथ ही पूजा गौरंग, बल्कि पूजा गुरुंग, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये अनु और गुरंग खरखराज, उन्होंने भेजा है। साथ ही विद्या ठुकराल जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विद्या जी। और ये सुशांत गंभीर की मम्मी है। इसके अलावा सूरज शर्मा की पत्नी का आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सूरज शर्मा जी आपकी वाइफ का। और आपने अपनी वाइफ का नाम नहीं लिखा, तो आप झेलिए। इसके अलावा प्रतीक श्रीवास्तव, इनका सैटरडे को बर्थडे था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रतीक जी। बहुत सारे लोगों ने परसों की कहानी को लेकर मेल किया और मुझे लगा कि क्राइम तक फैमिली सच में बहुत इमोशनल है। अच्छा भी लगा, जो उस ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा एक खंडवा के बेटे की कहानी। जैसे सुखपाल सिंह जी हैं, उस्मान अंसारी हैं, विक्रम वीरेन शुक्ला हैं, दलवीर हैं, अविनाश सौर्या हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा संजीव लुम्बा जी, इन्होंने एक जालंधर के कॉलेज के प्रिंसिपल की मर्डर की कहानी सुनाने को कहा, जो जल्दी सुनाता हूँ। मंजेश चौरसिया जी, थैंक यू सो मच। इसके अलावा रोशन रे, नजीब जे एन यू स्टूडेंट, मिसिंग कहानी, बहुत टाइम हो गया, मैं ज़रूर सुनाता हूँ। साथ ही मोहम्मद अरशद, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा देवाचीत टॉ, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। डॉक्टर जयदीप बंदोपाध्याय, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अबानी कांता बिसोई, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सत्य प्रकाश मोदी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी। इसके अलावा चिमी डोमा भूटिया, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए चिमी जी। इसके अलावा डोंडियाल गोधी, थैंक यू सो मच। हिमांशु देवांगन, आपका भी शुक्रिया। श्रीकांत बी, थैंक यू आपका भी। इसके अलावा मयूर थोले, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आशीष शर्मा, दिल से शुक्रिया आपका। हितेन शाह, आपका भी शुक्रिया दिल से। मुकेश मोटवानी और साथी अमन वर्मा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, ऐसी मिसाल मैं कहता हूँ बहुत कम दुनिया में मिलती है। कुछ भी था लेकिन ऐसी नौबत कैसे आ गई, या मतलब उस शख्स का, शख्स नहीं, एक दरिंदा, एक वहशी दरिंदा। क्या उसके दिमाग, जानवर इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मतलब उसके जहन में क्या था और क्या मतलब, क्या मतलब, क्या देखो, हर शख्स को पता है कानून है, किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने का मतलब क्या है, आपकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म, आप बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे। मतलब उसने बिल्कुल ही ये नहीं सोचा कि अगर किसी को आप ख़त्म कर देते हो तो क्या कोई भी नहीं है, क्या ये बात कहीं पता नहीं चलेगी। मतलब इतनी मूवीज़ देखी हमने, इतनी फिल्में देखी हमने, इतनी चीज़ें ये देखी हैं दुनिया में कि शायद ही कोई किसी को ख़त्म करने के बाद बचता हो। एक बात बताया मुझे, बस एक बात का जवाब दें। एक लड़की जो तुम्हारे पीछे अपनी फैमिली जहाँ पली पड़ी है, वो घर, अपना भाई, अपना बाप, अपनी माँ, सब कुछ, अपना शहर, सब कुछ छोड़ कर आ गई, उसके बाद आप उसको आरी से काट दोगे, आपकी, चलो मार देते, चलो ठीक है, बहुत जुनूनी थे तुम, पागल हो गए थे, मार देते, ये कौन सा पागलपन है। मतलब क्या मतलब, वो जिस ख्वाबों के साथ तुम्हारे साथ आई होगी, उसकी आंखों में कितने सारे ख्वाब होंगे कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारेगी। तुम उसके रक्षक बनोगे, तुम उसका साथ दोगे, तुम लाइफ टाइम उसके साथ रहोगे। कितना वो हाथ जिनको उसने काटा होगा, क्या उसको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उन हाथों से उसने कितनी बार उसको हक किया होगा।
क्या वो होट जो दम मसूद पड़े थे, क्या उसको एक बार भी ख्याल नहीं आया होगा कि उसने कितनी बार उसका बोसा लिया होगा? क्या वो हाथों से उसने कितनी बार उसको पका कर खिलाया होगा? एक बार भी नहीं, जब तुम काट रहे थे तुम्हें एक बार, मतलब तुम्हारे को प्यार था ही नहीं। मुझे यकीन करें, अभी ये वीडियो देखने के बाद मुझे प्यार, मोहब्बत, इश्क इससे इतनी, मतलब मुझे घिन आ रही है, मुझे नफरत आ रही है, मतलब ये क्यों है, ये नहीं होना था। मैंने तो ये तक सुना है दुनिया में कि अगर जानवर के साथ भी आप रहते हो तो आप उसको, आपकी एक अटैचमेंट हो जाती है, बल्कि बेजान चीज़ के साथ भी, सोफ़ा, कुर्सी, बेड, टेबल, पंखा। मैंने तो सुना है ये चीज़ें इंसान को अच्छी लगने लग जाती हैं कि यार इसने मेरा कितना साथ दिया है, ये मेरे साथ है। इंसान को अपने कपड़े अच्छे लगते हैं यार, जो कपड़े इंसान पहनता है। लेकिन एक जानदार चीज़ जो आपके, मुझे बताएं, कोई ऐसी शर्त तो नहीं रख रही थी ना वो, कोई ऐसी डिमांड आपसे नहीं कर रही थी? उसने चांद तारे तोड़ने के लिए लाके आपको थोड़ी ना कहा था? 2 साल अगर आप किसी के साथ लिमिट में रहते हो, आपका फर्ज है, आपका हक है कि जब आप उस लड़की के साथ रहे हो तो आप उसको शादी करो। वो आपका नाम ही तो आपसे मांग रही थी ना, आपको तो बिना बोले देना चाहिए था। यानी कि आपके दिल में खोट था शुरू से, आप नहीं अपनाना चाहते थे। देखें, कभी भी कोई भी चीज़, अगर इस तरह के रिलेशन होते हैं तो इंसान को बहुत शुरू में समझ लेना चाहिए, बहुत शुरू में झूठ ही सही आजमा लेना चाहिए, कोई ऐसी बात करके देख लेना चाहिए, या कोई ऐसा वाक्या हो जाए जिससे पता चल जाए कि वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट रख रहा है, आपकी कितनी मान रहा है। एक शख्स आपसे मनवा रहा है, लेकिन क्या वो आपकी मान रहा है या नहीं मान रहा? कोई इस तरीके से अगर इतने अरसा रिलेशन में रहने के बाद वो शादी की डिमांड कर रही है, उसे बहुत पहले करनी थी। जिसने इतने अरसे में नहीं की, मैं समझता हूँ उसने फिर करनी ही नहीं थी। मैं तो बोलूँगी, तीन चार साल तक अगर किसी ने शादी की तरफ नहीं आया, आप जब किसी के साथ लिविंग में जा रहे हो, जब आप अपना घर बार, अपनी फैमिली, अपने अपनों को छोड़ रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने पूरे अपने आप को उस इंसान को सौंप रहे हो। मुझे तो ये जहरी बीमार लग रहा था, कम अज़ कम उसका मेंटल चेकअप करवा लो कि वो किस हद तक जा सकता है, वो कितना जुनूनी है, वो क्या कर सकता है। और आपको पता है, इस न्यूज़ के बारे में मुझे पहले से पता था और मैं बहुत अफसोदा थी। ये वो वाहिद न्यूज़ है दिल्ली की जो पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रही है, क्योंकि ऐसा ये कह रहे थे शमसाहिर के ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये रेयर केसेस, ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते, बहुत कम मिलते। इस तरीके से कोई अपनी ही लवर के साथ करे, यानी कि आपको प्यार ही नहीं था। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे पता था, डिटेल्ड वीडियो मैंने नहीं देखी थी, जैसे इन्होंने मुझे एक एक बात मतलब बता दी, तो थोड़ा बहुत पता चल रहा था। और ये भी कहा गया कि जब इनको गिरफ्तार किया गया है तो पहले इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जब एक्सेप्ट किया तो उसके बाद भी इन्होंने कहा मुझे शर्मिंदगी नहीं है, मैंने जो किया ठीक किया। मतलब हैरत की बात, मतलब बड़ी हैरत की बात है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो कोई सब्जी थी? वो कोई कुत्ता या बिल्ली थी जिसको काट के तुमने फ्रिज में डाल दिया? वो इंसान थी, जीता जागता तुम्हारे साथ, कितने ख्वाब देखे थे जिंदगी गुजारने के, तुमने उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। दूसरी बात, नहीं रहना था, नहीं करनी थी ना शादी, तुम डायरेक्टली कहते मुझे नहीं करनी शादी, तुम जा सकती हो, तुम लौट जाओ, बात खत्म। शायद इतना वक्त गुजर चुका था कि शायद वो जा भी नहीं सकती थी, शायद मतलब उसने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। एक बात बताएं, कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन ये तो यही वही वाली बात है ना कि शायद उसने ये नहीं समझा कि मैं कहीं जाऊँ, और इतनी लड़ाई बढ़ गई। देखिए, एक चीज़ होती है मनाना, एक चीज़ होती है लड़की उसे मना रही है, लड़की समझ रही है मेरे सामने सिर्फ यही रास्ता है, इसको मनाना दूसरा रास्ता नहीं है, तो वो इसी से लड़े जा रही है। मैं समझता हूँ इनकी ज़िंदगी अजीरन हुई हुई होगी काफ़ी टाइम से, उसको लगता था मेरे पास मुड़ के देखने का ऑप्शन। अब एक होता है ना कि बस यही है। अब जब यही है तो पता क्या हो रहा है, बहस, उससे ये हो गया चिड़चिड़ा। अब अच्छा ना तो ये जा रही होगी, हो सकता है कि उसने कहा भी हो चली जाती हो चली जाओ, लेकिन उसने बोला होगा नहीं अब मैं शादी करूंगी। लेकिन वो तो कश्तियाँ जला के आई थी ना, वो किस मुँह से कहीं जाती है? मेरे ख्याल में जिस वीडियो को मैंने देखा है, उस वीडियो में स्टार्टिंग में जब वीडियो करी ना उन्होंने, तो उन्होंने सबसे पहले बात ये कही कि कहानी या ये केस के बारे में आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी लड़की के ऊपर पहला हाथ उठाए ना उसका जो भी फ्यूल से है, बिल्कुल समझ जाना चाहिए, उसका लवर है, उसका हस्बैंड है, उसका बीएफ है, या पहली बार उससे बदतमीजी करे, वो उसी वक्त उससे किनारा कर ले, नहीं तो वाकई यही हाल होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं लड़कियों के अंदर अक्सर, मैं चलो आज नहीं कल समझ जाएगा मेरा प्यार है, मैं प्यार से समझा लूंगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, सबसे वो जब अपने घर गई तो उसने अपने बाप से ये बात बोली कि वो मुझे मारता है, वो मुझे पीटता है, वो मेरे साथ अब्यूजमेंट भी करता होगा, वो मेरे साथ बदतमीजी भी करता है, वो मुझे डांटता है, डपटता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बीच में सब ओके हो जाता है यार, तुम सॉरी कर लेता है। वो रेड सिग्नल मिल रहा था तुम्हें कि वो कोई एक्सट्रीम कदम उठा था, उससे पहले ही तुम्हें किनारा कर लेना चाहिए था। तुमने जब अपने बाप को बताया था, तुम ये कहती जब थोड़े, अच्छा मुझे ये नहीं पता था, बिल्कुल बातचीत है,
लेकिन जब बातचीत थी तो तुम्हें उस वक्त कोई फैसला ले लेना चाहिए था, उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ माँ बाप कि कभी भी आप अपने माँ बाप को बेवकूफ़ ना समझो, कभी आप माँ बाप को कम अकल ना समझो। आपके माँ बाप अगर आपसे कुछ कहते हैं, कोई आपके लिए फैसला करते हैं, कोई आपको कुछ चीज़ समझाते हैं, अब भी कोई ऐसे लोग होंगे इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, या हमारी वीडियो नहीं देख रहे तो शम्स ताहिर जी की वीडियो देख रहे होंगे, कम से कम ये सोचें, कम से कम ये जहन में रखें कि आपके माँ बाप कभी भी ज़िंदगी में आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आप इतने से थे, छोटे से थे, उन्होंने आपको बड़ा, जब आपको पता ही नहीं था दुनिया क्या है, आपको पता ही नहीं था खाना क्या होता है, पीते कैसे हैं, चलते कैसे, कुछ भी नहीं पता था। तो जिन दो लोगों ने, माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, आप सिर्फ ये जहन में रख लें कभी भी वो आपका बुरा चाहेंगे। तो कभी भी माँ बाप के उसी फ्रिज के अंदर दूध रखा था, उसी फ्रिज के अंदर बॉटल्स रखी थी जिससे वो पानी पी रहा था, उसी कमरे में बैठ के काम करता था, प्रेजेंटेशन बनाता था, कॉल सेंटर जाता था, और रात में वो ये कांड करता था। कोई सीरियल किलर था क्या था ऐसा? वो इतना सुकून में कैसे था? बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से वो, इतना उसका दिल पत्थर हो चुका था, शायद इतना उसको उसने मारा था, इतना उसके साथ, उसके लिए वो एक बेजान चीज़ हो गई थी। अगर नहीं थी ना आपकी अंडरस्टैंडिंग, मिली आपको नहीं करनी थी, आपका दिल भर गया था, फोर सपोज रख लेते, आप सेफ हाथों में उसको छोड़ के आ जाते कि यार बस ख़त्म। अच्छा, ये चीज़ हो गई कि क्या था क्या नहीं था, ये चीज़ हो गई कि माँ बाप से मतलब है कि माँ बाप है तो सब कुछ है, बिल्कुल सब कुछ है, माँ बाप आपके लिए कभी गलत नहीं सोचते। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, शायद इस वीडियो में इतना इसका जिक्र नहीं किया गया, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदुस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान का कल्चर है ख़ानदान, पूरी पूरी फैमिलियाँ एक साथ रहती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, एक लड़की किसी और ख़ानदान से जब किसी के घर आती है, अब तस्वर करें वो फैमिली के साथ बात, फैमिली के पास जाती है किसी लड़के के पास नहीं, जाती दो खानदानों का मेल होता है। नहीं, हाँ हमारे यहाँ देखिए, एक लड़की नहीं आ रही, पूरा खानदान है उसके पीछे। नहीं, लड़की आ तो रही है, लेकिन वो जिसके पास आ रही हो, क्या वो अकेला एक लड़का है या पूरे घर में आ रही है? तो ये खानदानी निज़ाम होता है, ये हमारे सदियों से चलता हुआ आ रहा है। सही कह रहे हैं। अब इस वाक्य और इस खानदानी निज़ाम को ज़रा गौर करें, कितना खूबसूरत सिस्टम है खानदानी में निज़ाम, कितना खूबसूरत सिस्टम है फैमिली। अल्लाह ना करे कभी किसी लड़के ने, किसी शोहर ने किसी लड़की से बदतमीज़ी की अपनी बीवी से, तो पूरा खानदान खड़ा हो जाता है, उसके माँ बाप खड़े हो जाते हैं। भाई तो कोई नहीं खड़ा था। तो ये तस्वूर करें कि ये वाला जो सिस्टम है, लिविंग वाला या अकेले रहने वाला, लोग समझते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम खुश रहना चाहते हैं, हम किसी से, आप तस्वूर करें, आपके दिल में बड़ी कभी भड़ास होती है, कभी कई चंद बातें होती हैं, आप किसी से करना चाहते हो, माँ बाप से, उनके उसके लड़के के माँ बाप से, उसकी बहनों से, अपनी भाभी से, एक फैमिली कितना खूबसूरत सिस्टम है। आप दुख दर्द बांटते हो, आप अगर बीमार हो जाते हो तो आपको हाथ पकड़ के, आपको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाने वाले लोग होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन बहुत खूबसूरत है, इस रहन सहन को हम ना बदलें। ये लिविंग वाला सिस्टम, अकेले रहने वाला, आपको कोई मार भी रहा है तो आप अकेले बिस्तर पर रो रहे हो, आप किसी को अपना बता भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ, और इंसान साइकिक मरीज़ हो जाता है। मैं समझता हूँ अकेले रहने वाला एक नफसियाती मरीज़ बन जाता है, शायद वो एक अलग ही दुनिया में रहने लग जाता है, और उसे ये पता भी नहीं है वो कर क्या रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन उसकी फैमिली की, क्या उनके दिल पे गुजर रही होगी। ताहिर जी ने उसको सही कहा है कि हमने तो सुन लिया, ठीक है थोड़े से हम इमोशनल हो गए, चार दिन के बाद हम अपनी लाइफ में गुम हो जाएंगे, लेकिन वो पेरेंट्स जिनके सामने बार बार इसी जख्म को बिल्कुल कुरेदा जाएगा, बार बार वो पूरी नए सिरे से कहानी आएगी, माइनर से माइनर बातचीत पर बात होगी, हड्डियों पर बात होगी, टुकड़ों पर बात होगी। मैं हैरान हूँ, उनको बस अल्लाह पाक सब्र दे, और मैं हैरान हूँ इस इंसान पे भी कि जब टुकड़े फेंक रहा था, जब काट रहा था, क्या हिम्मत दिखाई, मतलब इसकी इंसानियत कहाँ चली गई थी, वो प्यार कहाँ चला गया था, कि इसको एक दफ़ा झलक भी नहीं आई, कि इसको थोड़ा सा ये फ्लैशबैक में जाके ये सोच भी नहीं पा रहा था कि यार ये वो लड़की है जो मेरे साथ सब छोड़ कर आई है, जिसने मेरे ऊपर सब हार दिया, और मैं आज इसको काट रहा हूँ। इस पर जितना अफसोस किया जाए, और कानून को भी, चीज़ों को भी देखना चाहिए कि अगर एक लड़का पढ़ा लिखा दिख रहा है, पुलिस की नज़र क्यों नहीं पड़ी है, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि एक लड़का पढ़ा लिखा दिख रहा है, उसके बाद पीछे बैग लटका हुआ है, ग्लासेस लगे हुए होंगे, अच्छा सूटेड बूटेड होगा, बाल वाल बने होंगे, कोई चरसी मवाली चोर नहीं लग रहा, अक्सर पुलिस उस तक जाती भी नहीं है, वो क्या सोचती है आया होगा कोई जॉब से, कॉल सेंटर की जॉब ऐसे भी नॉर्मली हमारे यहाँ, लेकिन उसके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कॉल सेंटर वाला। मैं एक बात बता रही हूँ कि क्या पता किसी ने रोका हो या कुछ करा भी हो तो उसने ये बोल दिया हो, हमें क्या पता। अव्वल तो मतलब नॉर्मल एक पैंट शर्ट में लड़का कोई घूम रहा है,
और आ रहा है या जा रहा है, लोग अक्सर पुलिस वाले नहीं टच करते। वो क्या कहते हैं, वो कंपनी का कार्ड दिखा देगा, ये कर देगा, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा हमसे बहस करेगा। पुलिस वाले ज़्यादातर उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं कि हमारे जो कराची शहर के बारे में बताऊँ तो, अगर कोई शलवार कमीज़ में घूम रहा है, इधर आना, कोई बैग ले थैला लेके घूम रहा है, बैग नहीं थैला, उससे पूछ लेंगे इधर आना, क्या इधर बताओ, मजदूर नहीं होते। इस तरह के तबके को लोग पकड़ते हैं, पढ़े लिखे की तरफ ज़्यादा कम ही जाते हैं। तो मैं कहूँगा बहुत अफसोसनाक वाकया, और कानून को इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि क्राइम ज़रूरी नहीं है कि अनएजुकेटेड पर्सन करे, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, किसी के भी जहन में नफसियाती बीमारियाँ हो सकती है। तो बहुत 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 अफसोसनाक वीडियो। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।